हेलो दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे जंगली करेले, जिसको हम खट्टा मीठा करेला भी बोलते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत सी बीमारियों का भी इलाज करती है। जैसे डायबिटीज़ हो उसको दो तो ज़रूर खाएं सब्ज़ी को, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर बनाएं। तो शुरू करते हैं। 3 से 4 हम प्याज लेंगे, उनको बारीक चॉप कर लेंगे, और 3 से 4 हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, और हम कुकिंग ऑयल लेंगे। ये मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। और उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, और आधा चम्मच हम साबुत धनिया लेंगे। और ये हमने करेलों को भी अच्छे से धोकर काट लिया है। अभी हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो हम कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच हम साबुत धनिया डाल देंगे। अभी 3 से 4 मिनट तक इनको हम पकने देंगे, उसके बाद हम प्याज भी डाल देते हैं। और प्याज को भी हम 4 से 5 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत सी बीमारियों को भी ठीक करती है। अभी हम हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अभी मिक्स कर देते हैं। और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम ये अच्छी खुशबू आने लगे लहसुन अदरक की, तो उसके बाद हम मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। मसाले आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अभी हम मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। अभी हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। आपके पास गरम मसाला नहीं हो तो आप कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद आमचूर पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। अभी मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम मसालों को भूनने के लिए रख देंगे, और ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद ही हम करेले डालेंगे। अभी मिक्स कर देते हैं, पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। अभी हम मिक्स कर देते हैं और 10 से 15 मिनट में हम ढक देते हैं सब्जी को, और धीरे धीरे करेले की सब्जी बनती रहेगी। अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक करते हैं। ये देखिए आप, सब्जी बहुत ही अच्छे से पकी है, हमने बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है और न ही हम पानी डाला है, ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसको बिल्कुल धीमी आँच पर ही पकाएं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट पकती है। और ये देखिए आप, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, और ये बहुत सी बीमारियों को भी ठीक करती है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।